जन्म मरण दुहु मह नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लायन, हर स्यो लैन मिलाए, हर हर जन दुई एक है, बेब विचार कशना, जल ते उपजत रंग जो, जल ही बिखै समा, जिना ना विसरै नाम से कन्हैया, भेद ना जानो मूल साई देहया, मेरे राम राय तू संता का संत, तेरे तेरे सेवक का भौ किश नाही, जम नहीं आवै नेरे, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए हे तेहा हो करी बखियान, सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह, सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी ते नवाजी गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का खास रूप, गुरु खालसा, साध संगत जीओ, आप जी रसना करो पवित्र, दशमेश पिता सरबंसदानी, मर्द अगमड़े संत सिपाही, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की बख्शिश की हुई पवित्र गुरफते प्रवान करो, कोई भी रसना वांझी ना रहे, समूह संगत प्यार अते सत्कार दे नाल आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश रहमत का सदका, अज आप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर महान तपस्वी, महान तत्वेते, जिन्हों ने अपने जीवन के अंदर नाम की कमाई की, क्योंकि बरसियां उन्हां दियां मनाईयां जांदियां ने, जादा उन्हां दियां मनाईयां जांदियां ने जिहड़े अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के नाम की कमाई करते, अपने मूल के नाल जुड़ते। अपने कोले शरीर सारियां कोले इक्को जिहे हुंदे, शरीर परमात्मा सब नूं इक्को जिहे बख्शदा, पर एक वो शरीर ने
जिन्हां ने अपना पूरा जीवन नाम जपदिया बाणी पढ़दिया विद्या पढ़ाउंदिया विद्या पढ़दिया ते अकाल पुरख के चरणा नाल जुड़ के बतीत करन। एक वो जीवन आ जिहड़ा दुनियावी पदार्थां दे मोह दे विच फस के सारा जीवन आपां भैड़े तो भैड़े कर्मां दे विच लगे रहना, क्योंकि नाम जपण दे नाल ही अपने मूल नाल जुड़िया जांदा। परमेश्वर दा जिहड़ा नाम आ साडी आत्मा परमात्मा तक तां ही पहुँचदी है जे साडे अंदर नाम दा सिमरन चलदा ते ओ महान तत्वे ते महापुरख पंडित संत बाबा भान सिंह जी महाराज जिन्हां दी 72वीं वर्षी आपां अज मना रहे। 72वीं जात दे विच गुरु साहब की हजूरी दे विच जुड़ बैठे महापुरखां दे जीवन बारे जदों आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की बाणी पढ़ते हैं सानू ज्ञान मिलता भी महापुरख कौन हुंदा। कई लोग इन्हां गल्लां ते सवाल करते हैं भी साढ़े कोले भी शरीर ओहे जिही आ, सानू महापुरख नहीं कहा जाता, उन्हां कोल भी शरीर इहो जिही सी उन्हां नू महापुरख क्यों कहा जाता। महापुरख गुरु की बाणी ने कहा उन्हां नू, पता क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पुरख का शरीर धारण करके अपनी जिंदगी च परमेश्वर का जिहड़ा महानाम उहदी कमाई कर ले। आपां कमाई नहीं करते, कमाई जिहड़ा कर लेगा वह महापुरख बन जाएगा, महान पुरश तत् बेता, क्योंकि उन्हों समझ आ जाती भी जिन्ना चर आपां अपने मूल नाल नहीं जुड़ते उन्ना चर असीं भटकते रहांगे। परमेश्वर के प्यारे नूं इह समझ हुंदी है, रब के प्यारे नूं समझ हुंदी है, इसे लिए रब का प्यारा सानू भी यही समझाउंदा भी नाम जपो, सिमरन करो, बंदगी करो, अपने मूल दे नाल जुड़ो। जे तुसी अपने मूल दे नाल नहीं जुड़ोगे फिर तुहाडी जिंदगी का जिहड़ा मनोरथ आ उहदे तो तुसी खुंझ जाओ। सतगुरु की बाणी के अंदर वचन आउंदे आ भी महापुरखां का जीवन कैसा हुंदा। सतगुरु जी कहिंदे जिन्हां सास ग्रास न विसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। आउंदे जांदे साह परमेश्वर का नाम नहीं भुलदा, ते आपां महापुरख उहनां नूं तां कहिंदे आ ते साह तां आपां नूं वी आउंदे आ, ते आपां आउंदे जांदे साह की करदे आ? माया मनहो ना बीसरै मांगै दम्मा दम। साडे मनो सानू माया नहीं भुलदी, आउंदे जांदे सा माया चेते आउंदी है। ते गुरु साहब की कहिंदे माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। माया दे पिछे भजण वालियां नू महाराज ने मूर्ख भी कहता ते अणजाण भी कहता, बेसमझ कहता, बेसमझी है। ते रब दे प्यारियां नूं इह समझ कित्थों आ गई भी आपां माया पिछे नहीं दौड़ना, आपां परमेश्वर दा सिमरन करना? इह समझ दित्ती अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने। सानू आउंदे जांदे सा पदार्थ नहीं भुलदे, आउंदे जांदे सा धीआं पुत्तरां दा चिंतन नहीं भुलदा, आउंदे जांदे सा दुनियावी पदार्थां वल साडा ध्यान लग्गिया रहिंदा। सिमरन आपां सारे ही करदे आ, ये ना सोचो भी साडे चो सिमरन कोई नहीं करता, सिमरन सारे करते। कोई माया का करता, कोई कोठी का सिमरन कर रहा, कोई नशियां का सिमरन करता, नशियां नू चेते करता, ते कोई गुरमुख प्यारियो इस दुनिया के अंदर रह के दुनियावी पदार्थों का सिमरन करी जा रहा भी मेरे को आ भी आ जाए, मैनू आ भी मिल जाए। तो रब के प्यारियों में इन्ना क फर्क हुंदा कि सिमरन वो भी करते हैं पर वो सच्चे वाहिगुरु परमेश्वर के नाम का सिमरन करते। जिन्हां लई गुरु साहब ने बाणी च कहा अंतर गुर अराधना जिहबा जप गुर नाम, उन्हां दे हिरदे च भी सिमरन चलता, अपने हिरदे च भी सिमरन चलता,
पर सानू दुनियावी चीजा नाल प्यार है ता करके असी दुनियावी वस्तुआं दा सिमरन करदे आ। रब दे प्यारियां दा प्यार किहदे नाल हुंदा? परमेश्वर नाल, वाहिगुरु नाल। उन्हां नूं वाहिगुरु तो बिना चंगा ही नहीं लगता कुछ। जिवें अपना माया नाल प्यार आ, अपने तो जी तो मर्जी पुछ लो, आपां की कहिंदे आ, मैनू ते बस माया चाहीदी, पैसा चाहीदा, मैनू पैसे बिना चंगा ही कोई नहीं लगता, क्योंकि प्यार आ साडा। जिहड़ी चीज नाल प्यार पै जाएगा, दुनियावी कोई भी वस्तु आ, हमेशा आपां उही मंगांगे। आपां गुरु कोल आके भी ते इही मंगदे आ भी महाराज मैनू माया दे दिओ, मैनू कोठी दे दिओ, मैनू कार दे दिओ, मेरे घर पुत्र हो जावे, मेरे पुत्र दा वीजा लग जावे, मैं बाहर चलिया जावां, मैनू माया मिल जे। ते रब दे प्यारे की मंगदे आ? उह सदा ही इह कहिंदे आ, किरपा निधान नानक को करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सच्चे पातशाह साडी झोली च दात पा दिओ अपने नाम दी, अपने सिमरन दी, अपनी बंदगी दी, सेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। जे खैर पाउणी है ना साडी झोली च, वाहिगुरु इक्को ही पाए। दुनियावी पदार्थ नहीं मंगदे ते ना संबंध ने, बैण तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख। ते सच्चे पातशाह साडे ते किरपा कर दिओ, की किरपा करो, देहे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। रब दे प्यारे नाम मंगदे आ, ऐसी दुनियावी चीजां मंगदे, क्योंकि प्यार जिहड़ी चीज ना पै जावे ना, इंसान उही मंगदा है। अपना माया ना प्यार तां माया मंगदे आ। महाराज इह नहीं कहिंदे वी माया ना मंगो, पर मंगदे आ कि महाराज कोलों दुनियावी वस्तुआं भी मंगदे आ, पर नाल नाल परमेश्वर दे नाम नाल प्यार होना चाहीदा। ये नहीं भी दुनियावी पदार्थां च लगे रहिए, उन्हां नाल प्यार करदे रहिए, फिर आपां अपने जीवन दे असल मनोरथ तो भटक जावांगे। तां करके गुरु साहिब कहिंदे अंतर गुर अराधन, उन्हां दे अंदर सदा गुरु की आराधना रहिंदी है। रब दे प्यारियां दे अंदर संत भान सिंह जी महाराज जिन्हां दी आपां वर्षी ते अज जुड़े हैं, उन्हां दे अंदर कीदी याद सी? परमेश्वर की, परमात्मा की, गुरु की याद। वो सदा ही गुरु नूं आराधदे रहिंदे आ, कल्ला चित विच नहीं चेते रखदे। सच्चे पातशाह कहिंदे जिहवा जप गुरु नाम, जीवा दे नाल भी वह परमेश्वर का नाम ही जपते हैं। जे चित विच सिमरन करते हैं सदा उन्होंने अंदर वाहिगुरु के नाम का सिमरन चलता। तो महाराज कहते उन्होंने रसना से भी वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन रहिंदा। ते सतगुरु महाराज अगे वेखो की कृपा करते हैं भी साधुओं का जीवन कैसा हुंदा। नेत्री सतगुर वेखण, अखां ना किनू वेखदे आ? सतगुरु। चित विच किनू चेते रखदे आ? परमेश्वर नूं, गुरु नूं। ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जीवां नाल की बोलदे आ? परमेश्वर दा नाम अपनी रसना तो वाहिगुरु 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 सदा कहिंदे, सदा सिमरन करदे। इह रब दे प्यारे दी निशानी आ। ते आपां कहिंदे वी रब दे प्यारियां नूं महापुरख क्यों कहा जांदा, महापुरखां दी याद क्यों मनाई जाती है? कई शंका करते हैं, इस करके मनाई जाती, साडी रसना ते की रहिंदा ते उन्हां दी रसना ते की रहिंदा। असीं नेत्रां नाल की वेखदे हाँ? असीं हर वो दुनियावी चीज़ वेखनी चाहते हाँ जिहड़ी दुनियावी चीज़ दे विच्चों साडे मन नूं रस आउंदा है। ते रब दे प्यारे की वेखदे हो? ते नेत्री सतगुर पेखणा, वह तो रोज़ पढ़ते आनंद साहब की बाणी चो, ये नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो हो कोई। ऐ मेरे नेत्रो, परमात्मा ने तुहाडे अंदर जोत रखी है, तुहानू देखण की शक्ति दिती है, ते तुसी इहदे नाल वेखणा की आ? हर बिन अवर न देखो हो कोई, परमेश्वर तो बिना किसे नूं नहीं देखणा। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं ही देखना। तां करके सानू उपदेश भी दिंदे आ रब दे प्यारे, ते सानू इह समझाउंदे भी है
भी आपां अकाल पुरख वाहिगुरु के दर्शन करने आ, गुरु साहब के नेत्रां नाल दर्शन करने, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाम। श्रवण की हुंदे कन्न, कन्ना नाल गुरु का नाम सुनते हैं, आपां कन्ना नाल दुनियावी गल्लां सुनते हैं, निंदिया सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, सानू दुनियावी निंदिया चुगली सुन के रस आउंदा, रब दे प्यारियां नूं परमेश्वर का नाम सुन के रस आउंदा है। इस करके महाराज कहिंदे अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्या दरग है पाईऐ ठाओ। जदों इस तरह उन्हां रब दे प्यारियां दा मन रत्या जांदा ना, मन भिज जांदा परमेश्वर दे नाम दे विच, चित भिज जांदा, सदा ही रत्ते रहिंदे आ, रंगे रहिंदे आ, ते सतगुरु महाराज कहिंदे दरग है पाईऐ ठाओ। दरगाह दे विच सचखंड दे विच वी महाराज कहिंदे उन्हां नूं थां मिलदी आ, जगह मिलदी आ, पर सच्चे पातशाह कहिंदे इस दुनिया दे विच वी उन्हां दी सोभा हुंदी है, वडियाई हुंदी है, क्योंकि माया वालियां दी सोभा तां थोड़ा चार ही हुंदी है। माया वाले ते जदों चले जांदे आ बहुता चार उन्हां दी वडियाई नहीं हुंदी, नाम जपण वालियां दी सदा वडियाई है, परमेश्वर की बंदगी करन वालियां दी सदा वडियाई। आपां बाणी दा वचन पढ़दे आ, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। जिन्हां दे मन ते तन विच परमेश्वर दा नाम वस गया उन्हां दी जय जयकार हुंदी आ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे सदा उन्हां दी सोभा ते वडियाई कीती जांदी है, ता करके गुरु साहब कहिंदे सतगुर सेती रत्या दरग है पाईऐ ठाओ। उन्हां दा मन परमेश्वर नाल जुड़न करके परमात्मा दी दरगाह सचखंड दे विच उन्हां नूं थां मिलदी है। ते महाराज कहिंदे भाई जग मह उत्तम काढ़ी है विरले की के, कहो नानक किरपा करे जिसनों इह वथ दे। जिन्हां ते गुरु साहब किरपा करके रहमत करके अपना नाम बख्श दिंदे आ, अपनी बंदगी दे दिंदे आ, महापुरख रब दी बंदगी करन लग जांदे, अपने मूल दे नाल जुड़ जांदे आ। सतगुरु जी कहिंदे जिन्हां नूं इह प्राप्ति हो जांदी, जिन्हां नूं इह वस्तु मिल जांदी आ ना, ते महाराज कहिंदे जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले केई के। ऐसे महापुरख रब दे प्यारे, जिन्हां महापुरखां दी याद विच आपां जुड़ बैठे आं, विरले विरले सानूं मिलदे, हर थां तों ऐसे महापुरखां दा मिलाप नहीं हुंदा, हर जगह ते ऐसे बंदगी वाले महापुरख नहीं मिलदे, जिन्हां दी संगत आपां महापुरखां दी कीती है। संत बाबा मोहन सिंह जी भिंडरां वाले, जिन्हां ने अपना पूरा जीवन बंदगी विच बतीत कीता, सिमरन दे विच बतीत कीता, जिन्हां दी बरशी लंघ के गई है, सारियां संगतां ने उन्हां महापुरखां दे दर्शन भी कीते है, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा तन ते मन सी उह परमेश्वर दे नाम दे विच भिज्जिया होया सी, रंगी हुई रूह सन, जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने कहा हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही विखै समाहे। इस करके जिवें पाणी तो बुलबुले पैदा हुंदे, पाणी च ही समा जांदे, परमात्मा दे जन परमात्मा तो पैदा हुंदे आ, ते परमात्मा दे विच ही फिर लीन हो जांदे, क्योंकि अपने मूल दे नाल जुड़े रहिंदे आ। जदों आपां प्यारे हो दशमेश पिता जी की बाणी पढ़ते हैं श्री अकाल पुरख साहब, उहदे विच भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू पंज उदाहरणां दित्तियां कि जिहड़ा अपने मूल दे नाल जुड़ के रहिंदा, जिहड़ा परमात्मा की बंदगी नाल जुड़दा, जिहड़ा सिमरन दे नाल जुड़दा, उहनू की प्राप्ति हुंदी है। पंज उदाहरणां दे के समझाउण दा जतन कीता। पहली उदाहरण दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दिती है अग दी, कहिंदे वेखो अग दा सुभा आ, अग भावें अंगीठी च बालो, भावें चुल्हे च बालो, भावें अग दा दीवा बालो, भावें मोमबत्ती बालो, जिवें मर्जी अग नूं बाल लवो, अग दा सुभा आ वी अग ने असमान वल नूं जाणा, ये अग्नि दा सुभा आ।
अग हमेशा आसमान वाले पासे नूं भांबड़ बन के जांदी उपर नूं जांदी है। आपां ये भी सुनते हैं पढ़ते भी हाँ, साइंस भी ये कहती है भी धरती विच ग्रैविटी है, धरती अपने वल नूं खिंचदी है, भावे मोमबत्ती नूं मुद्दी भी कर दिओ धरती वाले पासे नूं खिंडी भी कर दिओ तां भी अग आसमान वाले पासे नूं जाएगी। ये अग का सुभाअ है। क्यों सुभाअ है? पंज उदाहरण समझ के आपां जतन करना भी महापुरख अपने मूल नाल क्यों जुड़े रहिंदे, आपां अपने मूल नालों क्यों टुटे हुए हैं, आपां नूं अपनी जिंदगी दे असल मनोरथ का क्यों नहीं पता, क्यों नहीं समझ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे अग दा सुभाअ उन्हें आसमान वाले पासे नूं लाट ने जाने ही जाने। दूजे नंबर ते हुण आपां वेखदे आ जिहड़ा पानी है, पानी बदल धरती तो लैके जाते समुद्र विचों लैके जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते धरती तो पानी जाता, समुद्र चो पानी जाता, बदल आकाश वल लैके जाते हैं। वो कुछ समा आकाश के पानी रहिंदा, बदलों च पानी रहिंदा, फिर वो पानी कहते धरती ते आके बरखा के रूप के डिगदा, ते जदों बारिश हुंदी आ बारिश होण तो बाद उही पानी नदी च चलिया जाता, समुद्र के चलिया जाता। तीजी उदाहरण दिती सतगुरु पातशाह जी ने, कहते जदों नेरी आउंदी आ समझण दा जतन करियो, कहते जदों हनेरी आउंदी आ ना प्यारियो, हनेरी आउण तो बाद धरती दी जिहड़ी धूड़ आ कणके आ उड के आकाश वल जांदे आ, कुछ समा उह कणके उह धूड़ आकाश दे विच रहिंदी आ, उस तो बाद जिहड़ी उह धूड़ आ उह कणके आ थोड़ा समा पैण तो बाद हवा रुकण तो बाद आके फिर धरती दे विच ही मिल जांदे आ, मिट्टी दे विच मिल जांदे आ। ये उदाहरण दित्ती। चौथी उदाहरण दित्ती कणक दे दाणियां दी। अज कल ते चलो समा बदल गया प्यारे हो, पहला कणक नूं संभाल के कादे च रखदे सी, दाणियां नूं तूड़ी दे विच संभाल के रख्या जांदा सी, तूड़ी दे विच, क्योंकि तूड़ी दे विच दाने संभाले जांदे, ना उहनां नूं कीड़ा लगदा सी ना उह खराब हुंदे सन। फिर आपां उहनां दाणियां तों कम लैंदे सी, बीजदे सी उहनां दाणियां नूं। अज ते आपां यूनीवर्सिटी दे विच्चों जा के बीज लै लैंदे आ, पर उह पुरातन समें दी गल आ, पुराने समयां दे विच उह दाणे तूड़ी दे विच रख के उहनां दी सेफ्टी रखी जांदी सी, उहनां नूं संभालिया जांदा सी। पंजवीं उदाहरण दित्ती गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने, कहिंदे जिवें एक गन्ना हुंदा, गन्ने दे विच्चों आपां रस कढ़दे हां, जे आपां रस कढ़ के इदां ही रख दईए ते खराब हो जांदा, पर जे गन्ने दे रस विच गन्ने दे छोटे छोटे टुकड़े करके पा दित्ते जाण ते गन्ने दा रस खराब नहीं हुंदा, उह उसे तरह ही रहिंदा जिस तरह हुंदा आ, उहदे स्वाद विच उहदे टेस्ट विच कोई फर्क नहीं पैंदा। पता है पंज उदाहरणां दे के सतगुरु जी ने सानू की समझाउण दा जतन कीता? धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये समझाउणा चाहुंदे आ, कहिंदे जदों आपां अग बालदे आ, पहली उदाहरण अग्नी दी दित्ती, कहिंदे अग दा सुभाअ आ जिथे मर्जी बाल लो आसमान वाले पासे जाएगी, अग दियां चंगियाड़ियां आसमान वाले पासे जाणगियां, क्योंकि अग दा मूल अग दा मुड सूरज है, ते सूरज वाले पासे चंगियाड़ियां ने जाने ही जाना, क्योंकि उहनां नूं भी पता भी असीं अपने मूल दे विच जाके समावांगे तां ही सानूं सुकून मिलेगा, ते साडा मुड़ा अग्नी दा रूप सूरज ते सदा वास्ते जिहड़ी अग्नी आ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
भावे कुछ महीने कुछ दिन पानी बदलों के विच रवे आकाश के विच रवे पर जदों वर्खा पैंदी वर्खा पैण तो बाद वो पानी नदी का रूप हो जाता समुंदर का रूप हो जाता वो पानी भी धरती ते आ के डिग के अपने मूल रूप सागर दे विच ही समा जाता उनू भी पता भी मैं अपने मूल तो दूर नहीं रह सकता अपने मुंड तो दूर नहीं रह सकता भावें बदल मैनू आसमान दे विच लै गए इसे तरह तीजी उदाहरण दिती है मिट्टी के कणकियां दी धूड़ के कणकियां दी वह भावें हवा आने ते आकाश वल उड़दे है आकाश में चले जाते हैं पर फिर भी उन्होंने अपने मूल रूप मिट्टी दे विच आके धरती ते डिगना पैंदा धरती दे विच ही एकमिक होना पैंदा उन्होंने पता भी मूल तो दूर जाके सानू भी सुकून नहीं साडी भी गति नहीं है इसे तरह जेड़े कणक दे दाने है कणक दे दाने नू भी तूड़ी दे विच रखिया जांदा भी ये खराब ना होण ये पूरे ठीक रहण ते कणक दे दाने नू भी उत्थे ठीक रखिया जांदा जिथे उन्हां दा मूल रूप आ मूल रूप तूड़ी है तूड़ी दे कुप दे विच उन्हां दाणियां नू रखिया जांदा ते दाने उत्थे ठीक रहिंदे ना उन्हां नू कीड़ा लगदा ना वो दाने खराब होंदे आ उन्हां नू पता भी असीं अपने मूल रूप तूड़ी दे विच आ गए हाँ इत्थे आ के साडी सेफ्टी है असीं खराब नहीं होवांगे इसे तरह गन्ने का रस है गन्ने के रस च गन्ने के टुकड़े करके पा दिओ खराब नहीं होएगा क्योंकि अपने मूल नाल जुड़ गया ये पंज उदाहरण दे के गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने समझाया भी जेड़े रब दे प्यारे आ रब दी बंदगी करन वाले आ सिमरन करन वाले आ ओ भी अपने मूल रूप परमेश्वर दे सिमरन नाल जुड़ जांदे ते जेड़ा सिमरन नाल जुड़ गया जेड़ा बंदगी नाल जुड़ गया जेड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु दे परमेश्वर दे सिमरन दे विच रंगिया गया ते गुरु साहब कहिंदे ओ अपने मूल दे नाल जुड़ गया ते मूल नाल जुड़े हुए नू सदा परमेश्वर दी किरपा अकाल पुरख दी किरपा मिलदी है ते ओ दुनियावी बकारां तो बचिया रहिंदा ते सदा परमेश्वर दी बंदगी दे विच जुड़िया रहिंदा इस करके मूल नाल जुड़ना ते महापुरख अपने मूल दे नाल जुड़दे ताई ते पंजवें पातशाह ने गुरबाणी च बचन सानू समझाया भी महापुरख का जीवन ऐसा कि अपने मूल तो दूर नहीं जाता जाको हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा वो असल में महापुरख सूरमा है जिन्हों इस कलयुग के समय च बकारा तो रहत हो के परमेश्वर के नाम का रंग लग जाए नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये सानू टिकन नहीं दिंदे ਇਹ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੌੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੈਰਾਗੀ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਧੀਰ ਮੱਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ
जेड़ा कुछ तू दोबारे लुट के लैके आया धीर मल तू सारा कुछ वापस करके आ, वापस दे के आ। उस वेले धीर मल दे कोलों लुट के लियाया सी मक्खण शाह। मक्खण शाह कहिंदा सच्चे पातशाह जी इहने तुहाडे ते हमला कीता, माया खो के लै गया, तुहाडे ते गोली चलाती, गोली तुहाडे मत्थे नूं छू के चली गई, फिर भी तुसी धीर मल दा भला चाहुंदे हो, धीर मल दी भलाई सोचदे हो। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहिंदे मक्खण शाह जे उहने अपने नाल बुरा कीता आपां परमेश्वर परमेश्वर दी बंदगी करदे हां, बंदगी करन वाला किसे नाल बुरा नहीं करदा, आपां उहदे नाल ऐसा नहीं करना, उन्हें कीते हुए कर्मां दी सजा अपने आप ही पा लैनी। जिहड़ा मनुख जिहो जिहा कर्म करदा जैसा बीजा सो लुणा, कर्मा संदड़ा खेत, उन्हें आप ही कर्मां दा फल पा लेना, जा सारियां वस्तुआं वापस करिया। महाराज मेरा दिल नहीं करता, मक्खण शाह कहिंदा उन्हें ते इन्ना धक्का कीता, गोली तक चला गया, तुहाडे ते वस्तुआं खोह के लै गया, मैं तुहाडी बरादरी नहीं जर सकता। ते गुरु तेग बहादुर महाराज ने फिर उस वेले उपदेश दिता सी, कहिंदे भाई मक्खण शाह ये जिन्नियां दुनियावी वस्तुआं ने ना जां माया, इहदे पिछे एक चीज कम करती तृष्णा। तृष्णा तो महाराज कहते वकार पैदा होंदे है, माया की तृष्णा लग गई वकार पैदा होणगे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते काम आ गया वकार पैदा होणगे, क्रोध आ गया वकार पैदा होणगे। तू क्रोध करके लड़ाई करके आया, झगड़ा करके आया, वस्तुआं खो के लैके आया, इस करके इन्हां वकारां नूं रोकण लई एक काम हर एक सिख नूं जरूर करना चाहीदा। गुरु तेग बहादुर महाराज कहिंदे अपने अंदरों काम क्रोध ते तृष्णा नूं खत्म कर देना चाहीदा, बाकी दे वकार अपने आप ही खत्म हो जांदे। इह मुट काम मुट है, क्रोध मुट है, तृष्णा मुट है, बाकी ते टाणियां ने। गुरु तेग बहादुर महाराज ने मक्खण शाह नूं कहा सी जदों मुट नहीं रहेगा टाणियां कित्थों आउणगियां, जदों मुट नहीं रहेगा पत्ते कित्थों आउणगे, फल फुल कित्थों आउणगे। इस करके महाराज कहते मुट खत्म कर दिओ। मुट की है तृष्णा की अग, तृष्णा की अग जदों बलदी है फिर मनुख चाहुंदा सब कुछ मेरे कोल आ जाए, दुनिया की दौलत मेरे कोल आ जाए, माया मेरे कोल आ जाए। ते महाराज ने बाणी च एक वचन कीता कहिंदे तृष्णा बिरले ही की बुझी है, बिरले मनुख की तृष्णा बुझदी है। प्यारिओ हर बंदे की तृष्णा नहीं बुझदी, तृष्णा की अग दे विच सड़दे रहने। तृष्णा की अग ऐसी है अग ते जिन्नियां मर्जी लकड़ां पाई जाओ अग दे भांबड़ उच्चे हुंदे जाणगे। इसे तरह जिहड़े मनुख दे अंदर तृष्णा की अग बल पई, गुरु साहब कहते सहस खट्टे लख को उठतावै, त्रिपत ना आवै माया पाछै पावै, अनक भोग विखिया के करै, नह त्रिपत आवै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राज, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। इस करके तृष्णा की अग ऐसी इहनूं मुढ किया महाराज ने, काम नूं मुढ किया, क्रोध नूं मुढ किया। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣ
समझ आ सके गुरबाणी की, पता लग सके कि गुरु साहब सिमरन ना किवें जोड़दे। तां करके गुरमुखो सतगुरु जी की बाणी का वचन जागो हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा। जिन्हों नाम का रंग लग गया, परमेश्वर का रंग लग गया, महापुरखा वांगू मूल नाल जुड़ गया। सतगुरु जी कहते महापुरख सूरमे ने, असल विच सूरमा ही वो आ जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं जित लिया, इन्हां दे उत्ते फतेह पा ली। गुरु साहब की बाणी के बचन ने जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली दे। जिन्हें कलयुग के समय च पंजां सूरवीर नूं बस विच कर लिया ऐसा कौन बली है। वो महापुरख बली हुंदे आ रब की बंदगी करन वाले जिहड़े पंजां नूं अपने कंट्रोल दे विच कर लैंदे आ, अपने बस विच कर लैंदे, ते मन भी अपना बस विच कर लैंदे। मन कदों बस विच हुंदा, मन बस आवै नानका जे पूर्ण किरपा होए। जदों पूरे गुरु की किरपा हुंदी फिर मन बस विच हो जांदा। इस करके महाराज कहिंदे भाई जिन्हां नूं परमेश्वर दे नाम दा रंग लग गया, परमात्मा दे नाम नाल प्रेम लग गया, वह इस कलयुग के समय के सब तो वड्डे सूरमे आ। उन्हां दी बराबरी कोई नहीं जे कर सकता, उन्हां दे बराबर महाराज कहिंदे कोई नहीं पहुँच सकता महापुरखां दे बराबर। ते सतगुरु जी ने ते इत्थों तक कहता, अगली पंक्ति विच महाराज कहिंदे आत्म जिणै सगल वस ताक। वो अपनी आत्मा नूं जित लैंदे आ सिमरन करके, आत्मा नूं जाण लैंदे आ, क्योंकि आत्मा परमात्मा तक सिमरन नाल ही पहुंचदी है। सिमरन तो बिना कोई रस्ता नहीं जिहदे नाल परमात्मा तक पहुंचिया जा सके, परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचिया जा सके। चाहुंदे आपां भी आत्मा परमात्मा च मिले, पर आत्मा उन्हां दी परमात्मा विच मिलदी है जिहड़े वाहिगुरु जी का प्रेम नाल सिमरन करदे, प्रेम दे रंग विच जिहड़े रंगे जांदे, वह असली सूरमे भी आ। ते महाराज कहिंदे अपनी आत्मा नूं भी जाण लैंदे, आत्म जिणै जित लैंदे आ, मन जित लैंदे आ, विकारां ते काबू पा लैंदे आ। सगल वस ताक है, सगल दा अर्थ है सब कुछ, उन्हां दे महाराज कहिंदे वस विच हो जांदा। ते महाराज कहिंदे जाका सतगुर पूरा, जिन्हां दे कोल पूरे सतगुरु दा आसरा गुरपूरा भेटियो बड़भागी, मन है भया प्रगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का प्रवासा। उन्हां नूं पूरे सतगुरु दा आसरा मिल जांदा, पूरे सतगुरु के चरणा नाल जुड़े रहिंदे आ। इसे करके महापुरख सानू भी ते ही कहिंदे आ कि नाम की कमाई करो भाई, पूरे गुरु के चरणा नाल जुड़ो। जिन्ना महापुरखा ने अपना जीवन बतीत किया, जिन्हों की आप 72वीं सालाना वर्षी मना रहे हैं, उन्होंने सारा जीवन आपू यही सिखाया, अज भी यही सिखा रहे हैं कि पूरे गुरु के चरणा नाल जुड़ना, पूरे गुरु का आसरा तकना, पूरे गुरु तो बिना किसी कोल नहीं जाना। अपने जीवन च कमाई करके सानू उन्होंने यो ही सिखाया, यो पढ़ाया। ते इसे करके महापुरख अपने जीवन च कमाई करते सानू समझाउंदे, क्योंकि उन्होंने पूरे सतगुरु नूं धारण किया, पूरे सतगुरु के चरणा नाल जुड़े आ। एक मैं होर बेनती करदे आ प्यारे, महापुरखां दे कहण विच ते साडे कहण विच बड़ा फर्क हुंदा है। महापुरखां दी रसना ते परमेश्वर वसदा, महापुरखां दी रसना ते प्रभु रहिंदा, अकाल पुरख रहिंदा। पता क्यों? सुखमनी साहब च गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे प्रभु जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसन। महाराज कहिंदे मैं ते वाहिगुरु दे दासां दा भी दास हाँ, क्योंकि प्रभु परमात्मा आप अपने प्यारियां दी रसना ते वसदा, आप वाहिगुरु वसदा। क्यों वसदा? आपां भी हुण शब्द दी विचार कर रहे हैं, साडी जिहड़ी शब्द की विचार की हुई है वह पता किवें आ, जिवें एक गोली हुंदी है, बरूद हुंदा आ, आपां उस गोली नूं बरूद नूं अपने हाथ दे विच फड़ के मारीए
ते ओदी किन्नी क सट लगेगी, थोड़ी जी भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि बरूद गोली हाथ नाल नहीं चलदी। साडे रसना तो बोले हुए बोल एहो जे आ कि जे अपनी रसना तो आपा बोलदे आ ते साडा बोलिया बोल आया जिवें हाथ नाल गोली चलाती ते बरूद चलाता। ते महापुरखां दी रसना तो बोले हुए बोल पता किहो जे हुंदे प्यारे हो, उन्हां दी रसना तो बोले हुए बोल हुंदे जिवें रवालवर दे विच पा के गोली चलाई जांदे, बंदूक दे विच पा के गोली चलाई जावे, जदों शस्त्र दे विच पा के गोली चलाई जांदी आ उहदा असर किन्ने गुणा वध हुंदा। इसे तरह महापुरख पहला आप नाम की कमाई करते हैं, तो जदों नाम की कमाई करके शब्द का उपदेश देते उन्होंने बोले हुए का असर साढ़े ते होंदा। एक एक बोल असर करता, एक एक बोल साढ़े मना च वसदा, ताई ते गुरु साहब ने बचन किए आ। महाराज कहते जिसका अंतर वसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जिदे अंदर वाहिगुरु वस गया, परमेश्वर वस गया, ओदी सिक्ख्या नाल महाराज कहते संसार तरदा, संसार दा भला हुंदा। उन्हां नूं गुरु साहब ने अपनी बाणी च कहा धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। ऐसे महापुरख धनता योग ने, उन्हां दा आउणा धनता दे योग हुंदा, उन्हां दे कीते हुए बचन धनता दे योग आ, उन्हां दे कीते हुए उपकार, उन्हां दे कीते हुए भलाई दे कारज धनता दे योग हुंदे आ। ता करके गुरु साहब कहिंदे धन 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 जन आया, ओ जन ओ परमेश्वर दा प्यारा धनता दे योग आ जिहने इस दुनिया ते आउणा कीता ते आके की कीता, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जिने कृपा करके संसार दे लोकां नूं नाम दा उपदेश दे के तारिया, शब्द दी कमाई करके तारिया, बंदगी करके तारना कीता। ते सतगुरु जी कहते धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआओ। रब दे प्यारे दे आउण दा सुआओ की मनोरथ इक्को ही हुंदा है, महापुरखां दे आउण दा मनोरथ इक्को ही है। ओ मनोरथ केड़ा महाराज कहते जन कै संग चित आवै नाओ। रब दे प्यारे दी संगत करन दे नाल परमेश्वर दा नाम चेते आउंदा है। यही फर्क आ महापुरखां विच ते साडे विच। साडी कोई संगत करे असीं की सिखावांगे जो सानू आउंदा है? रब दे प्यारे नूं की आउंदा? उहनां नूं बंदगी आउंदी, सिमरन आउंदा है, बाणी आउंदी है, उहनां नूं चंगीआं गल्लां आउंदीआं ने, चंगे बचन आउंदे ने। ता करके रब दे प्यारे फिर उही सुणाउंदे आ। सानू दुनियावी चीज़ां आउंदीआं आपां उधर नूं ही जोड़ांगे, रब दा प्यारा जिहड़ा ओह परमेश्वर नाल जोड़दा, अकाल पुरख नाल जोड़दा, वाहिगुरु नाल जोड़दा। ता करके उहदा इस दुनिया ते आउण दा मनोरथ इक्को ही हुंदा। महाराज कहिंदे जन आवन का एह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुकत मुकत करै संसार। वेखो रब दे प्यारे दी बंदगी दा असर किन्ना वड्डा है। आप ते बंदगी करके महाराज कहिंदे ओह मुकत हुंदा ही हुंदा आ, मुक्ति प्राप्त कर लैंदा। ते सतगुरु जी कहिंदे रब दा प्यारा मुकत करै संसार, ओह दुनिया दे लोकां नूं भी नाम दा उपदेश दे के मुकत करदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ संत बाबा भान सिंह जी महाराज, उन्हां वर्गे जिहड़े गुरु दे प्यारे आ, परमेश्वर दे प्यारे आ, सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे उन्हां नूं मेरी नमस्कार है।
उन्हां दे चरणां ते नमस्कार है, मेरी जना दे चरणां ते जिहड़े रब दे प्यारे बन गए आ, जिन्हां नूं गुरु साहिब दी बाणी ने कहा हर का सेवक हर ही जिहा, भेद ना जाणहो मानस दे। हरी दा सेवक वाहिगुरु दा सेवक परमात्मा वर्गा हुंदा है, उहदे विच ते परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं रहिंदा, उह इक बराबर हो जांदे, इक्को जिहे हो जांदे। इस करके गुरु साहब जी कहिंदे भाई जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइयै आत्म रंग। ठाकुर कक्के नूं औंकड़ है, ठाकुर कक्के दे औंकड़ तो बिना उहदा अर्थ पत्थर भी बन जांदा है, पत्थर अर्थ करदे रहे महापुरख। ते जेड़ा कक्के नूं औंकड़ आपां लाउने आ, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। ठाकुर दा अर्थ मालक, प्रभु परमेश्वर, रब दे प्यारे उहनूं गाउंदे आ ठाकुर गाइयै आत्म रंग। अपनी आत्मा नूं परमेश्वर दे नाल जोड़ के नाम जपदे आ, बंदगी करदे आ रब दे प्यारे, परमेश्वर दा सिमरन करदे बंदगी करदे, भिज के बंदगी करदे। सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग, प्रभु दी शरण विच पै रहिंदे आ ते प्रभु दा नाम त्याउंदे रहिंदे आ, सहजे सहजे परमात्मा च लीन हो जांदे आ महापुरख। नानक लीन भयो गोबिंद सिओ जो पानी संग पानी, जिवें पानी च पानी मिल जांदा, इस तरह महापुरख रब दे प्यारे भी परमेश्वर दा नाम जपदे आ उस अकाल पुरख दे विच लीन हो जांदे आ। इस करके गुरु साहब ने रब दे प्यारियां दी महिमा करदे हुए क्या रहाओ, महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग, रहाओ जन के चरण वस है मेरा हीर है संग पुनीता देही। कहिंदे रब दे प्यारियां दे चरण मेरे हिरदे च वस जाण, बंदगी वालियां रूहां दे चरण मेरे हिरदे च वस जाण। हुण हिरदे च चरण वसाउण नाल की होएगा, गुरु साहब कहिंदे संग पुनीता देही, साडी देह पवित्र हो जाएगी। अज जिन्हां महापुरखां दी याद विच जुड़े आ ना, जे आपां उहनां दी याद नूं अपने हिरदे च वसा लईए ते साडा शरीर पवित्र हो जाएगा, देह पवित्र हो जाएगी। इस करके महाराज जी ने रब दे प्यारियां दी महिमा करदे हुए बचन कहे, आपां रोज पढ़दे आं सौण वेले, अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। सच्चे पातशाह मैं ते तुहाडे तो यही सुख मंगदा कि मैनू रब दे प्यारियां दी चरण धूड़ बना दे, मैनू उन्हां दी चरण धूड़ बना दे, मैं चरण धूड़ बन के रवां। ता करके महाराज जी ने इत्थे वचन कीता, जन के चरण वस है मेरा हीर है संग पुनीता देही, मेरे हिरदे च वाहिगुरु दे प्यारे दे चरण वस जाण, उहदी याद वस जावे ते मेरी देह भी पवित्र हो जावे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे जन के चरण वस है मेरा हीर है संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जेड़े तेरे जाना तेरे प्यारे तेरी बंदगी करन वाले आ, तेरा सिमरन करन वाले आ, जिन्हां ने अपना पूरा जीवन आप जी दे लेखे लाया सिमरन करदिआं बतीत कीता, उन्हां दी चरण धूड़ सानू मिल जावे, ए तू वड्डा सुख पूरी दुनिया ते कोई नहीं है। ये रब दे प्यारिआं दी महिमा सतगुरु जी ने अपनी बाणी दे अंदर दर्शाई है, महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। सदा साधुआं दी संगत दी जिहड़ी महिमा वह महाराज ने बाणी दे अंदर सानू दर्शाउणा कीती, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा, प्रवान गणी सही इह आए सफल तिन्हां के कामा, जन्म मरण दुहु मह नाही जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हर स्यो लैन मलाए, मेरे राम राय तू संतां का
संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किस नाही, जम नहीं आवै मेरे। इन्नी महान महिमा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर साधुआं की है, रब के प्यारियां की है। आपां भी बेनती करिए जिमें संत बाबा भान सिंह जी, जिन्हां दे नाम दे अगे पंडित भान सिंह जी भी लगता है, जिहड़े महान तत्वेते भी होए ने, महान विद्वान भी होए ने, ते उन्हां ने अपने जीवन के अंदर महान विद्या भी पढ़ी। उन्हां दी याद उन्हां दी 72वीं वर्षी के संबंध में आपां अज गुरु साहब की हजूरी च जुड़े हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज रहमतां करन, बेनती करिए कि ऐसे महापुरखों की चरण धूड़ असी भी बन जाइए, उन्हां दे जीवन दे विच्चों नाम दा किनका लैके असी भी अपने जीवन अंदर नाम की कमाई करिए। किनका एक जिस जीव बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवै। महापुरखों के गुण, महापुरखों की वड्याई, महापुरखों का जस ऐसा आ, जे आपां उन्हां दे गुणां नूं सरवण करके छोटा जा गुण भी कोई अपने हिरदे च वसा लीए ना, तो अपना जीवन आ जिहड़ा बदल सकदा है। क्योंकि महापुरख इन्नी शक्ति रखते आ, इन्नी करामात रखते, इन्नी कला रखते आ कि वह पापी तो पापी मनुख का भी जीवन बदल देते। आपां अनेकां उगण अपने जीवन च करते हैं, पर जदों आपां महापुरख की संगत चले जाइए, महापुरख अगे बेनती कर दईए कि महापुरखो मेरे ते किरपा कर दिओ, मैं भटक रहा, मेरे जीवन के अंदर मैं बड़े औगण किए, पाप कर्म किए आ, जदों महापुरख अपनी कृपा दृष्टि कर देंदे आ, फिर वो जीवन बदल देंदे ने अपना जिहड़ा जीवन उन्हां दा, क्योंकि परमेश्वर के नाम नाल जुड़िया हुंदा, वो समर्था रखते आ दूजे का जीवन बदल दी, ते बेप्रवाह हुंदे ने महापुरख। संत अतर सिंह जी का एक वचन मैं आप जी नाल सांझा करके समाप्ति कर देनी आ। महापुरख पहुँच चुके ने भिंडरां संप्रदाय के मुखी संत ज्ञानी कपूर सिंह जी, वो महाराज की हजूरी विच पहुँच चुके ने, उन्होंने आप जी नाल दास तो बाद वचन सांझे करने ने, उन्हां तो आपां प्रवचन सरवण करने ने, कमाई उन्हां दे पूरे जीवन की। सो संत अतर सिंह जी ने जदों कफनी पहनी सी ना अपने शरीर ते, कफनी पहन के एक वचन किया सी कि अज ये कफनी मैनू मिली है, मैं अपने शरीर के उपर पहन लेना कीती है, ते वाहिगुरु परमेश्वर जी मेरे ते कृपा रखियो, अकाल पुरख जी कृपा रखियो, महापुरखो कृपा रखियो कि मैं किसी का मुथाज ना बना, एक कफनी पा के महापुरखों वाला बाणा पा के मैनू किसी अगे हथ फड़न की लोड़ ना पवे, परमेश्वर तो बिना किसी के अगे हथ ना। ये महापुरखों का जीवन हुंदा रब के प्यारियां दा जीवन, जिन्होंने अपने जीवन च कमाइयां कीतियां, सिमरन किया, ओ संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हरकै जाको पाख सोन। जिन्हां दा पख करन वाला वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख, वह सदा बेपरवाह रहिंदे, उन्हां नूं किसे दी परवाह नहीं हुंदी, क्योंकि वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर तो बिना होर दूजे नूं किसे नूं भी जानदे नहीं। ते आपां भी बेनती करिए कि सानू महापुरखां दी संगत मिले, महापुरखां दे जीवन दे जिहड़े गुण, उन्हां गुणां दे मुताबक असीं भी अपने जीवन नूं चला सकीए, सिमरन कर सकीए, अपने जीवन च बंदगी कर सकीए, महापुरखां दीआं दित्तीआं होईआं सिक्ख्यावां ते चल सकीए। अज महापुरखां दी 72वीं वर्षी दे संबंध में आपां जुड़े हाँ, यही बेनती है कि सच्चे पातशाह कृपा करो, सानू भी महापुरखों के जीवन चो किणका नाम का बख्श दिओ, साढ़े हिरदे च भी परमेश्वर का नाम बस जाए। कृपा निधान नानक को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। महापुरखों की याद में हाजरी लगाते हैं, बाणी की विचार करते हैं, बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने, अणजाण बच्चे आ, कोई विद्वान नहीं है, आउंदा कुछ नहीं, जिन्नी सतगुरु जी ने समत बख्शी आ, महापुरखां दी संगत विच रह के
संत ज्ञानी मोहन सिंह जी पिंडरां वाले जिन्हां दी आपां हुणे 3 दसंबर नूं बरसी मनाई है, उन्हां दे पवित्र अस्थान ते रह के जो महापुरख अपने समक्ष हुण पहुंचे ने, संत ज्ञानी कपूर सिंह जी पिंडरां वाले, इन्हां महापुरखां दी संगत करन दा भी थोड़ा समां मिलिया। संत ज्ञानी हरभजन सिंह जी ढुडीकियां वाले, उन्हां दी संगत विच रह के जिन्नी विद्या प्राप्त कीती है उहदे विचों कुछ अंश आप जी दे नाल सांझे कीते ने। महाराज मेहर करन, गुरबाणी की विचार करन दी समत बख्शिश करन। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद है, जिन्हां दी कृपा नाल आप संगतां दे सनमुख महापुरखां दी याद दे विच हाजरी भरी है। ते धन्नवाद है प्रबंधक सज्जणा दा, धन्नवाद है महापुरखां दा जो महापुरख सतगुरु की हजूरी दे विच जुड़ बैठे ने, ते धन्नवाद आप संगतां दा जिन्हां ने प्रेम ते प्यार दे नाल सतगुरु महाराज जी के बचन सरवण कीते ने। हुण आए हुए पावन मुख वाक की कथा संत ज्ञानी कपूर सिंह महापुरख संप्रदाय पिंडरां ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।